किसी लड़की से मिलते ही पास जाते ही आपकी बोलती बंद हो जाती है, आप ओम शांति ओम के शाहरुख खान बन जाते हो, तो आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है। क्योंकि पहले मैं भी कुछ ऐसा ही था। तो गाइस, आप में कमी क्या है? आप अपने लुक को, अपने पर्सनैलिटी को हाईएस्ट लेवल तक नहीं ले जा रहे हो। आप कर सकते हो बट आप कर नहीं रहे हो। लेकिन तुम्हारा भाई असर स्टाइलिंग बताएगा आज तुम्हें कि आप अपने लुक को हाईएस्ट लेवल पे कैसे पहुंचा सकते हो। मेरी ये फ़ोटो देखो और ये फ़ोटो देखो, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा आपको, क्योंकि ये फ़ोटो में अपने लुक में मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया है और इस फोटो में कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने ध्यान रखा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24 घंटे अपने लुक को ही देखते रहो, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस भरपूर आ जाएगा और आपको लाइफ जीने में मजा आएगा। तो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ टू बी हैंडसम एंड अट्रैक्टिव एज सून एज पॉसिबल। मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, आपको नोट करने हैं, आपको करने हैं ये पॉइंट्स, तभी आपका लुक इंक्रीज होगा, आप अच्छे दिखोगे। आप अपने नाक को मोटा या लिप्स को पतला ऐसे ये सब नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब आपके हाथ में नहीं, ये सब ऊपर वाले के ही हाथ में है। तो जैसा ऊपर वाले ने दिया शुक्र मनाओ। और आप क्या चेंज कर सकते हो, वो है आपके हेयर्स। गाइस, 7-8 क्लास में मेरा भी लुक कुछ खास नहीं था, मैं भी एक एवरेज लड़का ही जैसा था, अभी भी एक एवरेज लड़का ही हूँ बट उससे थोड़ा सा ऊपर हूँ, तभी आप मुझे फॉलो कर रहे हो। तो होता क्या है गाइस, हम अपने लुक को अपने टॉप लेवल पे नहीं ले जाते हैं। एग्जाम्पल, बॉलीवुड स्टार को ही ले लो, सारा अली खान वेट लॉस किया, इतनी ज़बरदस्त ग्लैमरस बन गई। वरुण धवन पहले ऐसे थे अब ऐसे बन गए। असर स्टाइलिंग पहले ऐसा था अब ऐसे बन गया। अपने आप को मैं इन सब से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सबसे पहला टिप, कट योर हेयर बियर्ड एंड आईब्रोज। अपने हेयर को आप शेप में लाओ। गाइस, हेयर ऊपर वाले ने एक ऐसा चीज़ दिया है जिसको हम कटा सकते हैं, जिसको हम स्टाइल कर सकते हैं और जिससे हम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। तो गाइस, मैंने बहुत बार बोला है आपको अपना फेस शेप के हिसाब से अपना हेयर स्टाइल चुनना है। इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सा है, आप आराम से कर सकते हो। मेरा फेस शेप है डायमंड फेस, तो मैं क्या करूँ, मैं कौन सा हेयर स्टाइल रखूँ, मैं कितना ढूंढूँ, किसका ढूंढूँ? मैं सिंपली क्या करता हूँ, सेलिब्रिटी विथ डायमंड फेस शेप सर्च करता हूँ। नंबर वन पे है जैन मलिक। जैन मलिक का कोई भी हेयर स्टाइल उठाया लगाया, परफेक्ट दिख रहा हूँ मैं। आप सिंपली अपना फेस शेप पहले ढूंढो, लाइक ओवल, अक्षय कुमार ओवल फेस शेप जिसका है, अक्षय कुमार का फेस शेप कॉपी करो, आप बहुत ज़बरदस्त दिखोगे। एक नंबर आइडिया है, ट्राई करो। नेक्स्ट आते हैं बियर्ड पे। अगर आपको पैची बियर्ड आ रहे हैं तो पूरा क्लीन शेव, बहुत ज़्यादा पैची बियर्ड है तो क्लीन शेव करो। अगर पैची बियर्ड आ रहे हैं थोड़ा बोड़ा मेरे जैसा, तो क्लीन शेव बिल्कुल मत रखो, मैं रिकमेंड नहीं करता क्लीन शेव रखना। कुछ कुछ फेस में बहुत अच्छा लग सकता है बट ज़्यादातर फेस में क्लीन शेविंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्लीन शेव मत रखो। अपना हेयर को ट्रिम रखो, छोटा छोटा रखो, आपके चेहरे पे नूड आता है इसके वजह से। अब आते हैं आईब्रोज पे। आईब्रोज आपको एकदम मस्त रखना है और ध्यान से रखना है, क्योंकि आईब्रोज थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका पूरा लुक चेंज हो सकता है। अगर आपके जॉइंट आईब्रोज है, बहुत सारे लोगों के जॉइंट आईब्रोज रहते हैं, तो उसे प्लकर की मदद से निकालना है और उसको ठीक करना है, या फिर आप सैलों में जाएं जो आईब्रो बनाता है अच्छे से, उनसे आप पूरा आईब्रो बना सकते हैं। मेरा आईब्रो पहले से फेस शेप के हिसाब से सही है, पूरा शेप में है, इसलिए मैं कुछ नहीं करता, बस सिंपली बीच का जो है वो मैं प्लकर से निकाल लेता हूँ। तो गाइस, अब आते हैं फिजिक पे, आपके बॉडी पे। गाइस, चेहरा जितना भी अच्छा हो, अगर आपका बॉडी अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे, इसलिए आपको बॉडी बनानी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जिम जाओ, भारी भारी डंबल्स उठाओ, बॉडी बनाओ, मेहनत करो, ये मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। अगर कर रहे हो आप तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आप सिंपली अपने दिन में 50 पुशअप एंड 20 स्क्वाट्स मारो। अगर आप नहीं करते हो जिम तो आपके लुक में बहुत ही ज़बरदस्त एनहेंसमेंट आएगा और आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी आपके लाइफ में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। गाइस, ये जो पॉइंट है ये एक दिन में पूरा नहीं हो सकता, इसे आपको टाइम टू टाइम पूरा करना पड़ेगा। पहले मेरी भी पर्सनालिटी कुछ खास नहीं थी, मैं कुछ भी पहन लेता था, कुछ भी नीचे कुछ भी ऊपर पहन के मुंह उठा के कहीं भी चल देता था, बट अब ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे आइकन्स को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो रही है डे बाई डे। अगर आपका फ्रेंड सर्कल वैसा नहीं है तो आप फॉलो करो उनको जिसके तरह आप बनना चाहते हो, लाइक कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, जैन मलिक और बहुत सारे ऐसे आइकन्स हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो और आपका पर्सनालिटी यहाँ से
यहाँ पहुँच जाएगा। वो क्या कपड़े पहनते हैं, वो कौन से वॉच पहनते हैं, वो कौन से जूते पहनते हैं, ये सब पे ध्यान दो। वो कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं, वो कैसा हेयर स्टाइल रख रहे हैं, ये सब ध्यान दो और उसको फॉलो करो और उसको आप इंस्पिरेशन लेके आप कॉपी करो। कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो ऐसे ही नहीं आया हूँ, बहुत सारे लोग से मैंने इंस्पिरेशन लिया और उनके स्टाइल को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूटीफुल टीथ। आप दिन में 2 बार ब्रश करो जिसकी वजह से आपके व्हाइट टीथ हो जाएंगे और आप बात करोगे तो आपका लुक अच्छा लगेगा। गाइस, दांतों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एक पर्सनैलिटी में। टीथ को अपने साफ रखो, वाइट रखो लाइक मी। अगला पॉइंट है योर आईज। आईज को ही देखकर तो प्यार होता है, तो आपको आईज को अपना अच्छा रखना है क्योंकि आईज में आप आई ड्रॉप डाल सकते हो जिसके आपके आईज की वाइटनेस बढ़ जाती है और आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक लगता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। लाइक चैपस्टिक यूज़ कर सकते हो आप अपने लिप पे, जिसके वजह से आपकी लिप पिंक होती है। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपके जो ब्लैकनेस है लिप्स के वो चले जाएंगे। चैपस्टिक मैं यूज़ करता हूँ ये वाला, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप अपने हेयर में पाउडर डाल सकते हो जिसकी वजह से आपका हेयर में ऑयलीनेस चला जाएगा और वॉल्यूम ज़बरदस्त मिलेगा। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं, ये सब मैं आपको अच्छे से एक वीडियो में फुल बताऊंगा। बट ये था वीडियो हाउ टू बी हैंडसम एंड अट्रैक्टिव एज सून एज पॉसिबल। बस ये चीज़ कर लो, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपको लाइफ जीने में मज़ा आएगा। जो जो बताया वो चीज़ ऑनेस्टली फॉलो करना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, इस बंदे को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मेरा एम है तुम्हें स्मार्ट बनाना, तुम्हें हैंडसम बनाना, तुम्हें खुश रखना। एंड हाँ, असद इज़ बैक इन द गेम। बाय बाय।